हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट एकेडमी में आज आपका स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर टू का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। हमको इसको अंदर फाइव नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें इसमें रिलेशनशिप पता करनी है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करते कैसे हैं, इस नंबर को इस लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं अभी यहाँ लास्ट में करके दिखा रहा हूँ साइड में, मान लो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आंसर आया 8x स्क्वायर। अब 8 का हमको क्या करना है, एलसीएम करना है। जैसे हमने 2 से एलसीएम किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। मल्टीप्लाई करने पर हमको देखना है कि प्लस या माइनस करने पे ये 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ से वो 2 2 जा 4 और एक सिंगल 2 छोड़ा, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 4 में से जो कि माइनस 4 कर दिया कि इस पर साइन माइनस है, तो बड़ी संख्या पर यह साइन आना चाहिए, तो माइनस का 4x प्लस का 2x, दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा। अब उसके बाद क्या करना है, x इसमें से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, तो बचा x माइनस 4। इस साइड से 2 कॉमन आ रहा है तो प्लस का 2 कॉमन लेके x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में क्या है, कॉमन आ गया, तो हम पे बचा x प्लस 2, जो कि ये x प्लस 2 इस साइड आ गया और इक्वल में 0। अब क्या करते हैं कि x माइनस 4 को एक साइड रख के ये पूरा जब 0 के नीचे जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा ऐसे ही। अब इसको लेंगे तो ये मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड में, तो पूरी वैल्यू 0, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस। हमको क्या करना है कि जो हमारे x की वैल्यू आई है, एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा मानेंगे। उसके बाद नीचे हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पहले इक्वेशन लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू हो वो ए होती है, और जो एक्स के साथ होती है वो बी होती है, और जो कॉन्स्टेंट है वो सी होती है। तो इसके अंदर देखो हम पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया तो 1 होता है, तो ए हमारा हो गया 1। यहाँ प्लस का बी था लेकिन यहाँ माइनस 2 है, तो प्लस माइनस माइनस और बी की जगह पे 2। ऐसे यहाँ प्लस सी है, प्लस की जगह माइनस, तो सी की जगह पे 8, माइनस का 8। अब वेरीफाई करते फॉर्मूले से, तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या है कि ए प्लस बी इक्वल में माइनस बी बाय ए। अल्फा अल्फा हम पे 4 है, बीटा माइनस का 2 है, और बी और ए दोनों की वैल्यू यहाँ है, ऊपर नीचे रख दी, माइनस से माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 हो गया, नीचे आ गया 2 बराबर 2। ऐसे ही प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फा बीटा बराबर में सी बाय ए। अल्फा और बीटा 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 है, अब सी क्या है, माइनस का 8 और ए 1, माइनस 8 बाय 1। 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 बराबर में माइनस का 8 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट के लिए। इसमें दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। सेम उसी पैटर्न से पहले एलसीएम करके फैक्टर करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 2s में से 2s कॉमन है, तो 4 के टेबल में 2 जब कॉमन ले लिया तो हम पे यहाँ बचेगा 2s, और यहाँ से पूरा ही कॉमन आ गया तो यहाँ बचा माइनस का 1 माइनस। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ देखो ये माइनस था ये प्लस था, तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों डब्बे में से एक कॉमन ले लिया तो बचा हम पे 2s माइनस 1 इक्वल में 0। पीछे वाले की तरह वैल्यू दोबारा निकालते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस और मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सेम तरीका इसमें करेंगे तो सेम आंसर ही आएगा, तो अल्फा मान लिया 1/2, बीटा मान लिया 1/2। अब वेरीफाई करने के लिए इधर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके वैल्यू को बराबर कर लिया है, कौन सी वैल्यू कितनी होगी,
आज हम अल्फा बीटा रखते हैं 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू इक्वल है माइनस माइनस का 4 बाय 4, माइनस से माइनस करके प्लस का हो गया 4, 4 बाय 4, और बेस इक्वल है तो बेस को हम 2 लिखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो गया, अब 2 से 2 को काटेंगे तो हमारा आ गया 1 बाय 1 इक्वल 1। ऐसे हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा बीटा इक्वल में सी बट्टे ए, 1 बट्टे 2 को 1 बट्टे 2 से करेंगे तो 1 बट्टे 4, और वहां c की वैल्यू 1 थी और a की वैल्यू 4 थी, तो ये भी आ गया 1/4। अगला पार्ट, अगला दिया है 6x² - 3 - 7x। तो ये देखो इसमें माइनस 3 आगे दे दिया, माइनस 7x पीछे है, तो उसको सबसे पहले अरेंज करेंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। तो 6x² - 7x - 3 = 0, सेम एलसीएम करके इसको फैक्टराइज करेंगे, तो अब फैक्टराइज जब करेंगे तो हमारा आएगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब 6x² - 9x में से हम पे 3x कॉमन आएगा, तो हम पे बचेगा 2x - 3, और पीछे वाले में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर आ गया +1 ब्रैकेट में 2x - 3। अब यहाँ 2x - 3 हम जब कॉमन ले लेंगे तो हम पे बचेगा 3x + 1 = 0, 1/2x - 3 को इक्वल 0 रखना है, और 3x + 1 को इक्वल 0 रखेंगे। तो जब 2x - 3 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे 3/2 आएगा, और 3x + 1 = 0 रखेंगे तो वैल्यू -1/3 आएगी। एक को माना अल्फा, एक को बीटा, यहाँ पर साइड में हमने फिर से वैसे ही निकाल ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू। जब वैल्यू में अल्फा बीटा पुट करेंगे 3/2 + -1/3 = -, ब्रैकेट में -7/6, माइनस से माइनस कट गया प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर हमने एलसीएम किया है, 2 3 6, तो 3 के टेबल में और 2 के टेबल में 6 3 बार पे आता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 के टेबल पे 2 बार पे आता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 में से 2 गया तो 7/6। ऐसे यहाँ पर 7/6। अब प्रोडक्ट निकाला जाए तो प्रोडक्ट में 3/2 - -1/3 = -3/6, 3 से 3 कट गया तो इधर आया -1/2, और 3 से 6 कटा तो -1/2। अगली वीडियो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद।